हम पापड़ बनाएंगे, वो भी रेसिपी में बताऊंगा मैं आपको। आज मम्मी के संगत हम पापड़ बना रहे हैं, जैसे कि मम्मी अभी यहाँ पे ये कर रही है। सारी रेसिपी आपको बताऊंगा मैं आगे किस तरह से पापड़ बनते हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें नमक डाली, फिर रोटी डाली। ये चावल का आटा है, इसमें तिल्ली नमक तिल की दाल और तेल डाला है थोड़ा सा, और इसको ऊपर उबलने के लिए छोड़ दिया है। अब ये बहुत सा उबल गया है, इस पर फेस आ रहा है। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे, चावल का पीसा हुआ आटा। डालने के बाद इस तरह से उसे गोल गोल घुमाइए, जैसे जब तक वो बारीक ये ना हो जाए, मिल ना जाए उसके अंदर, उस तरह से घुमाते रहिए उसे। और ये घुमाते रहो, अब उसमें देख पा रहे होंगे कैसे कैसे ये हो रहा है आटा। उस तरह से उसे घुमाते रहिए, थोड़ा पानी कम गिर गया शायद। पानी बराबर है, ज़्यादा चिकट हो गया है। मेहनत लगती नहीं क्या उसको, घोटना पड़ता है उसको। इस तरह से उसको घोटते रहिए, जो बारी बारी वो सभी हो जाना चाहिए ना। आटे को थोड़ा सा गोल 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 रोल करेंगे, थोड़ा गर्म है तो ठीक से करना चाहिए। और जो आपके पास कोई प्लेट हो या बेलन हो उस पर भी कर सकते हैं आप, ज़्यादातर इस तरह की कोई चीज़ हो तो उस पर ज़्यादातर कीजिए। इस तरह से उसको पन्नी रख दीजिए, बाद में उसको इस तरह से कीजिए। इस तरह से गोल हो जाता है पापड़ की तरह, बाद में उसे ऐसा निकालिए। बाकी आना बस तरह। अब पापड़ को सूखने दे, सूखने के बाद आप उसे बना सकते हो, तल सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए नए वीडियोस नए नए रेसिपी के साथ आपके साथ मिलूंगा मैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक।